पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। उसके साथ ही लाइक और शेयर कीजिए और अपने कमेंट से भी आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निदाज रेसिपीज फॉर बिगिनर्स माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं कैरी का शरबत और कैरी मोहितो। कैरी का शरबत और कैरी मोहितो बनाने के लिए हम सबसे पहले कैरी का सिरप तैयार करेंगे। कैरी का सिरप तैयार करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो नोट कर लीजिए। कैरी ली है मैंने आधा किलो, उसका छिलका उतार के उसे बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। चीनी भी हम आधा किलो ही लेंगे, जितनी कैरी लेंगे उतनी ही चीनी डलेगी इसमें, और पानी लेंगे हम 1 लीटर। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले हम किसी भी बर्तन में पानी डालेंगे और साथ ही इसमें अपनी कैरी शामिल कर देंगे। इसको हमने इतनी देर तक पकाना है कि जब तक कैरी नरम हो जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, कैरी को मीडियम आंच में मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। इसको अब देख लेते हैं, ये देखिए ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। पानी को हम डिस्की में ही रहने देंगे, कैरी अलग कर लेंगे। 2 मिनट के लिए कैरी को ठंडा कर लेंगे, जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। कैरी को 2 मिनट ठंडा करने के बाद अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब कैरी के इस पेस्ट को हम उसी पानी में दोबारा शामिल कर देंगे जिसमें से हमने पहले कैरी निकाली थी। कैरी हमने शामिल कर दी है पानी में। अब इसके साथ ही हम चीनी भी शामिल कर देंगे और अब इसको हमने इतना पकाना है कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखिए अभी ये पतला है, इसे मजीद हम पकाएंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता चीनी भी अपना पानी छोड़ रही है। इसको इतना गाढ़ा कर लेना है कि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। ये देखिए इस मिक्सचर को पकाते हुए हमें तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये अब आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो रहा है। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए, ये इतना थिक होना चाहिए। जब ये इतना थिक हो जाए तो फ्लेम ऑफ कर दें और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। कैरी का सिरप हमारा रेडी है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप किसी भी जार या किसी भी बॉटल में इसको सेव करके जब तक चाहे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब चलते हैं हम कैरी का शरबत की तैयारी की तरफ। कैरी का शरबत तैयार करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो नोट कर लीजिए। कैरी के सिरप के अलावा हमें चाहिए अजवाइन 1 चुटकी, बारीक कुटा हुआ जीरा 1 चुटकी, बारीक कुटी हुई काली मिर्च 1 चुटकी, काला नमक 1 चुटकी, लेमन जूस 1/4 चम्मच। आप चाहें तो इन तमाम मसालों को बराबर क्वांटिटी में लेके मिक्स करके इनका पाउडर भी बना के रख सकते हैं लेमन जूस के अलावा। इसके अलावा हमें चाहिए पानी और बर्फ। कैरी का शरबत तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ग्लास में डालेंगे 4 चम्मच कैरी के सिरप के, 4 बड़े चम्मच डाले हैं मैंने। उसके साथ ही थोड़ा सा जीरा, अजवाइन। अगर आपको अजवाइन का टेस्ट पसंद नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप इसे ना डालें। काला नमक, कुटी हुई काली मिर्च, लेमन जूस, आइस क्यूब और पानी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कैरी का शरबत हमारा रेडी है। अब हम बनाते हैं कैरी मोहितो। कैरी मोहितो बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो नोट कर लीजिए। 1 ग्लास कोई भी सोडा वाटर ले लीजिए। पुदीने के पत्ते हमें चाहिए 5 से 6 अदद, बारीक कुटी हुई काली मिर्च 1 चुटकी, कैरी का सिरप 4 से 5 चम्मच। पुदीने को हम पीस लेंगे 1 चम्मच कैरी का सिरप डाल के, साथ में इसमें पेस्ट बना लेंगे। ये देखिये इसको हमने इस फॉर्म में कर लिया है। ये देखिये 1 चम्मच हमने कैरी का सिरप शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। 1 ग्लास ले लें, उसमें पुदीने और कैरी के सिरप का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो डाल दें। इसके साथ ही हम कैरी का सिरप डाल देंगे। फिर इस मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 1 चुटकी डाल देंगे बारीक कुटी हुई काली मिर्च। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें आइस क्यूब डाल दें। फिर इसमें हम सोडा वाटर शामिल कर देंगे। इसको मिक्स कर लें। कैरी मोहितो हमारा रेडी है। कैरी का शरबत और कैरी मोहितो दोनों रेडी हैं। ये बहुत ही हेल्दी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को भी दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।